व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत छोटा और बहुत ही सिंपल रहने वाला है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सिरेमिक कोटिंग होती है वो एक्चुअल में होती क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या प्राइजेस हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम आए हैं गाड़ी की सिरेमिक कोटिंग करवाने और उस वीडियो में मैं ये दिखा नहीं पाया था कि गाड़ी जो है पहले बिफोर कैसे दिखती है और सिरेमिक कोटिंग के बाद में कैसे दिखती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिफोर और आफ्टर दोनों दिखाऊंगा कि सिरेमिक कोटिंग करवाने से पहले गाड़ी कैसी दिखती है, एक बार आप वो देख लीजिए, और उसके बाद सिरेमिक कोटिंग करवाने के बाद गाड़ी कैसी दिख रही है, दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको दिखाता हूं बिफोर और आफ्टर का इफेक्ट। प्लेन में थोड़ा सा चेंज किया है, पहले तो हम जो आए थे सिर्फ सिरेमिक कोटिंग करवाने के हिसाब से आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन भैया ने सजेस्ट करा कि सिरेमिक कोटिंग करवाओ तो करवाओ, साथ में आप पीपीएफ भी ट्राई करो। तो हमने सोचा है कि सिरेमिक कोटिंग के साथ साथ थोड़ा सा पीपीएफ भी करवा लेते हैं। तो जो गाड़ी का जो बोनेट है और फ्रंट बम्पर है और रियर बम्पर है उसको हम करवाने वाले हैं पीपीएफ, और बाकी की जो गाड़ी है उस पर कराएंगे सिरेमिक कोटिंग। तो जब एक बार सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जो बिफोर और आफ्टर की एक्चुअल में गाड़ी लग कैसी रही है। तो वीडियो को एंड तक देखना और इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी कि जो हमें सिरेमिक और पीपीएफ है वो मिलाकर कितना पड़ी है। और हो सकता है आपकी सिटीज में अलग हो या आपने कहीं और से करवाया हो तो वहां पर इसकी प्राइसिंग अलग हो। तो आपकी जो प्राइसिंग है वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो सिरेमिक कोटिंग और पीपीएफ का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे कितना महंगा पड़ा है या फिर सस्ता पड़ा है, जो भी है आपको ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं गाड़ी पे कोटिंग हो जाने के बाद और इसका जो पीपीएफ है उसको हो जाने के बाद। सो एंड में आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी एक्चुअल में लग कैसी है। फाइनली दो दिन गाड़ी रखने के बाद आज गाड़ी आ चुकी है और इसका जो फ्रंट बम्पर है और पीछे का जो बम्पर है और आगे का जो बोनेट है उस पर पीपीएफ कराई है और बाकी जितनी भी गाड़ी है वहां पे अपन ने कराया है सिरेमिक कोटिंग। तो आप वीडियो में देख करके बताना कि गाड़ी एक्चुअल में लग कैसी रही और जो प्राइसिंग है वो मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, आपको दिखती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।